मेरा नाम ज्योति है। आज आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के सामने, क्या डिमांड है, क्या हम लोग यहाँ 800 फैकल्टी पे बैठे हुए, आज हमारा 9वां दिन है। हमारी 3 मुख्य रूप से डिमांड है। पहली कि स्टीफन कॉलेज में जो प्रिंसिपल ने नोटिस जारी किया है कि सीयू सेट के बाद 15% इंटरव्यू लेना, वो नोटिस वापस लिया जाए, इसका हमारी फर्स्ट डिमांड है। सेकंड कि जो सरकारी स्कूल से आने वाले छात्र छात्राएं हैं उनको 20% रियायत 20% डेप्रिवेशन पॉइंट देना है, ताकि वो भी हायर एजुकेशन में अपना पहलकदमी आगे बढ़ा सके और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पढ़ पाए। तीसरी डिमांड कि जो हर साल सरकारी स्कूल कॉलेज में आज सीयू सेट से पहले कट ऑफ का बहाना बनाया जाता था कि आपकी 99-100% कट ऑफ होगा तभी आपको एडमिशन मिलेगा। हमारा ये मानना है कि आप 99-100% कट ऑफ तो दिखा रहे हो, उसके माध्यम से आप सीटों की संख्या कम जो होती है उसको छुपा देते। अगर सभी के 90% 100% आ जाए फिर भी सबका एडमिशन नहीं हो पाए क्योंकि सीटें नहीं हैं, सीटों की संख्या बढ़ानी चाहिए, हमारी तीसरी डिमांड है। और नए कॉलेजेस खोलने चाहिए, अगर जब तक नए कॉलेजेस नहीं खुल रहे हैं तब तक जो मॉर्निंग शिफ्ट के कॉलेजेस उसी में रेगुलर में इवनिंग शिफ्ट में भी कॉलेज खोले जाएं, ताकि जो इच्छुक छात्र है जो रेगुलर में पढ़ने की इच्छा रखते हैं वो भी पढ़ पाएं। आपको क्यों लगता है कि जो सरकारी स्कूल है कि सिर्फ उन छात्रों पर ही इनका असर पड़ेगा? ये बहुत ज़रूरी सवाल आपने किया है और बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सरकारी स्कूल के जो छात्र हैं वो बहुत ऐसे समुदाय से आते हैं, बहुत दिक्कतों से पढ़ते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं कि पढ़ाई के साथ साथ काम कर रहे हैं। काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको ज़रूरत है पैसों की, क्योंकि घर में उनका गुजारा बसर नहीं हो पाता, उनके माँ बाप फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उनके माँ बाप किसी यूनिवर्सिटी को साफ करने का काम करते हैं, यूनिवर्सिटी को सुरक्षित रखने के लिए उनका गार्ड का काम करते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं घरों में सफाई का काम करते हैं, बहुत सारे फैक्ट्रियों में काम करते हैं, अलग अलग जो मजदूर हैं जो बहुसंख्यक हिस्सा है जो पिछड़े वर्ग से हैं उनके बच्चों की अगर बात की जाए वो इसी कारण से अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजते हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। और उन्हीं के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके साथ ये व्यवहार किया जाता है कि सरकारी स्कूल के हालात ख़राब कर दो कि वो आगे ना बढ़ पाए। और ये बात 100% सच है कि सरकारी स्कूल के हालात ख़राब है, इसका दावा मैं दे सकती। क्यों ख़राब है? क्योंकि सरकार चलाने वाले का कोई भी बच्चा उस स्कूल में नहीं पढ़ता, कोई भी मंत्री हो कोई भी प्रोफेसर हो जो सरकारी नौकरी में काम करता हो, प्रधानमंत्री हो, यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री, यहाँ तक का केजरीवाल भी कहते हैं कि बहुत अच्छा स्कूल करते हैं, उनका बच्चा भी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता, क्योंकि वो ज्यादातर बोलते हैं जब बहुत बड़े बड़े होर्डिंग लगाते हैं, पेश करते हैं ज्यादातर शिक्षा का मॉडल वो पेश करते हैं, शिक्षा का मॉडल पेश करने के लिए बहुत लाखों रुपए खर्च करते हैं। अगर वही लाखों रुपए अगर वो कर दे शिक्षा में तो अपने आप ही स्टूडेंट या स्टूडेंट के पेरेंट्स बोलने लग जाएंगे हाँ सुधार होगा, लेकिन सिर्फ बोलने मात्र तक के लिए उन्होंने कह दिया कि हमने अच्छी बिल्डिंग कर दी, उससे तो कुछ नहीं होता ना। आप हर सरकारी स्कूल को बराबर फंड नहीं दे रहे हो, किसी स्कूल को ज्यादा दे रहे हो किसी को कम दे रहे हो, जिसको ज्यादा दोगे उसके ज्यादा अच्छे माहौल होंगे, उसका गार्डन भी अच्छा होगा, उसकी बिल्डिंग भी अच्छी होगी, उसमें पानी की सुविधा भी होगी, जिसको नहीं दे रहे हो जो पिछड़े अलग इलाके से आते हैं वहाँ पे हो सकता है पानी भी ना हो बच्चों के लिए, और ऐसा होता है, टीचर्स के लिए अलग पानी होता है बच्चों के लिए अलग होता है, शौचालय पता नहीं कब से साफ है नहीं है, और 13-14 साल की उम्र में ज्यादातर लड़कियां जो है स्कूल जाने से इनकार करती हैं, उनको टॉयलेट चाहिए यार, उसमें भी अगर वो नहीं जा पा रही है तो उनके लिए सरकार को सोचना पड़ेगा कि क्यों नहीं जा रहे, क्यों इतना बड़ा हिस्सा जो लड़कियों का है जो शिक्षा से वंचित हो रहा है जो छूट रहा है, तो इस पे कोई सवाल सरकार नहीं करती है। तो हमारा यही मानना है कि सबसे ज्यादा सरासर सरकारी स्कूल के साथ धोखा किया जा रहा है, सीयू सेट हो या एंट्रेंस हो या इंटरव्यू हो, ये सिर्फ दिखावा है कि जो 2% बच्चे जैसे तैसे नंबर भी ला करके हायर एजुकेशन में रेगुलर कॉलेज में पहुंच पाते थे अब वो भी नहीं पहुंच पाएंगे। जो नई शिक्षा नीति आई है उसके तहत कि आप इंटरव्यू लेंगे, इंटरव्यू में किससे क्या सवाल करेंगे, इंटरव्यू में कौन अंग्रेजी बोल पाएगा, कौन अच्छा अपने आप को प्रेजेंट कर पाएगा, यानी कि जो अच्छे से प्रेजेंट कर पाएगा वो पास है, जो नहीं कर पाएगा नहीं कर पाएगा। स्कूल में सरकारी स्कूल में ना तो कॉम्पिटिशन्स होते हैं ना तो उनके उनको इतना हौसला मिलता है कि वो कुछ बोल पाए, बहुत सारी लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती है वो नहीं बोल पाते हैं, रेगुलर कॉलेज में किसी के साथ कुछ हो जाए तो हंगामा हो जाता है, एक्चुअल जो ओपन इंस्टीट्यूट है वहाँ पे किसी गरीब छात्र के साथ कुछ हो जाए कोई कुछ नहीं बोलता, प्रशासन चुप रहता है। यही वीसी जो एक्चुअल भी वीसी है, रेगुलर का भी वीसी है, और एक्चुअल में जो दिक्कत होती है गैर बराबरी होती है या छेड़छाड़ होती है उस पर नहीं बोलता, चुप्पे। तो ये तो दिखावा है कि महिला सशक्तिकरण तो बोलते हैं लेकिन किन महिलाओं के लिए वो चिंतित है और किन महिलाओं के लिए वो चिंतित नहीं है, तो ये सरकार का भी रवैया दिखाई देता है कि बोलने के लिए तो बहुत बोलते हैं कि बहुत अच्छा माहौल है, लेकिन बोलने से कुछ नहीं होता है। अगर अच्छा माहौल होता तो अमीरों के जो
पेरेंट्स है वो पागल हैं जो लाख रुपए देके अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। अगर समान एजुकेशन हो गया तो क्यों लाखों रुपए वेस्ट कर रहे हैं सरकार प्राइवेट स्कूल में, पढ़ा दो सरकारी में। कहने को बहुत कहते हैं पढ़ने वाला बच्चा कहीं पर भी पढ़ लेगा, तो अपने बच्चों पर विश्वास नहीं करते अमीर बच्चे, अमीर परिवार के पेरेंट्स जो है तो वो अपने बच्चों को विश्वास नहीं कर रहे। पढ़ने वाला है तो कहीं पर भी पढ़ लेगा ना। पहली बात यही रेगुलर की कॉलेज के बच्चे कहते हैं कि सरकारी स्कूल के बच्चे नलायक होते हैं। अगर हम इस नलायकी को मान ले, अगर नलायक अगर कोई घर में दो बच्चे हैं उदाहरण के तौर पर अगर समझा जाए, एक कमजोर है एक अगर तेज है थोड़ा स्वस्थ है, तो हम कमजोर बच्चे पे ज्यादा ध्यान देंगे ना। अगर ये नलायकी हम मान के चलते अगर है, पहली बात तो हम मानते नहीं है। सबसे ज्यादा गरीब जो परिवार से आने वाली बच्चियां हैं, सबसे ज्यादा मेहनती बच्चियां हैं, घर में तीन तीन घंटा पानी भरती हैं टैंकर से, साफ सफाई का काम करती है, खाना बनाती है, घर में छोटे छोटे माल आता है पैसे के लिए, आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए दो दो घंटा तीन तीन घंटा आँख फोड़ के छोटे छोटे काम करते हैं। तो ये मेहनती बच्चियां फिर भी पढ़ना चाहती है, उन्हीं को मौका नहीं मिलता है, उसके बावजूद भी उनको एडमिशन नहीं मिलता, फिर भी अगर हम कह दें कि हम नलायक है, तो सरकार को सोचना पड़ेगा ना कि अगर जो कमजोर बच्चा है उसको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो पहला हक तो इनका बनता है सरकारी स्कूल के बच्चों का सरकारी कॉलेजेस में कि उनको 180 दिन का क्लास दो। जो कमजोर बच्चा है उसको पहले और कमजोर हालात में बोल रहे हैं, और जो अच्छा स्वस्थ बच्चा है उसको तो और अच्छा कॉलेज दे रहे हो ना। वो पढ़ने में पहले ही तेज है, 100% ला रहा है, 99% ला रहा है, तो उसको स्टीफन मिरांडा हंसराज जैसे कॉलेज दे देते हैं, यानी कि और तेज होते। तो बहुत बड़ी गैर बराबरी, जो अच्छा बच्चा है जो तेज है उसको और अच्छी फैसिलिटी दे रहे हैं, और जो कमजोर है जो बहुत बुरे हालातों से पढ़ के आ रहा है सरकारी स्कूल से पढ़ के आ रहा है, उनको बहुत बुरे कॉलेजेस में जाना पड़ता है, ओपन से पढ़ना पड़ता है। नाम बताइए। आनंदनी। कौन से स्कूल है? सेक्टर 16 गवर्नमेंट सर्वोदय कन्या विद्यालय। इसमें यही कहना चाहते हैं हम, बिकॉज यहाँ पे भी सीट्स कम है, 15% है मे बी, और हम ये चाहते हैं कि 20 या 25 या 30 अराउंड प्लस में सीट्स अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट स्कूल के जो होते हैं बच्चे उनके ज़्यादा सीट्स अवेलेबल मिल जाती है, क्योंकि उनको परसेंटेज पे मिल जाती है, जो गवर्नमेंट स्कूल की लड़कियाँ जो होती है उनको नहीं मिल पाती इतनी जल्दी, उनको मतलब परसेंटेज, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में एवरेज पढ़ाई होती है, और मोस्टली हिंदी में पढ़ाई होती है, इंग्लिश में बहुत कम होती है, क्योंकि मैं खुद भी इंग्लिश मीडियम में हूँ, क्योंकि और इंग्लिश में बहुत बहुत से बहुत कम पढ़ाई होती है, हाँ, और प्राइवेट में क्या होता है मोस्टली प्राइवेट हर चीज़ फैसिलिटी अवेलेबल होती है, गवर्नमेंट की भी होती है बट थोड़ी कम होती है। इसी चक्कर में यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आया है, गर्ल्स को 25% सीट्स मिलने चाहिए, इवनिंग शिफ्ट में भी कॉलेज खुलने चाहिए, और साथ ही साथ में सोल जो सोल होता है उसे थोड़ा मतलब ये होता है उसमें मटेरियल वगैरह पढ़ाई वगैरह अच्छी नहीं होती, क्योंकि मेरा भाई भी सोल में है, मैं उसको खुद देखती हूँ, पढ़ाई मटेरियल स्टडी से बहुत कम होती है, और रेगुलर में क्या होता है पढ़ाई वगैरह सब अच्छी होती है। तो मैं ये चाहती हूँ या तो रेगुलर में हो जाए, सीट्स प्रोवाइड हो जाए, इवनिंग शिफ्ट में भी कॉलेज चल जाए, मोस्टली गर्ल्स को प्रोवाइड होनी चाहिए सीट्स। हाँ ये तो है, क्योंकि सरकारी स्कूल में ये होता है पढ़ाई होती है बट इतनी अच्छी नहीं हो पाती, इसी चक्कर में बच्चे की परसेंटेज में इफेक्ट पड़ता है, और इसी चक्कर में कॉलेज में भी मतलब अब तो कॉलेज में एंट्रेंस देना पड़ता है, अगर बाय चांस इंटरव्यू भी देना पड़ेगा तो ऑफकोर्स वो इंग्लिश में पूछेंगे, और ऐसा है नहीं कि सरकारी स्कूल में भाई पढ़ाई होती भी नहीं इतनी प्रॉपर, और इंग्लिश में भी नहीं बोला जाता, मोस्टली हिंदी में बोला जाता है, तो अगर प्राइवेट इंग्लिश में पूछा जाएगा तो भाई बच्चे सरकारी स्कूल के बच्चे पीछे रह जाएंगे, प्राइवेट स्कूल के बच्चे आगे खेलेंगे, और उनको वैसे सीट प्रोवाइड हो जाएगी। तो शिक्षा है बट इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, क्योंकि हम खुद रियलाइज करते हैं, क्योंकि ये होता है कि हम सरकार हमारी जो मिडिल क्लास होते हैं इतना अफोर्ड नहीं कर पाते कि हम प्राइवेट में ले लें, फीस इतनी होती है उनकी, एक तो सरकारी में हम इसलिए लेते हैं कि हमें लगता है कि अच्छी पढ़ाई होगी, और वहाँ पर अगर नोटिस किया जाए ना इंग्लिश मीडियम में कुछ पढ़ाई नहीं होती, बहुत रेयर होती है वहाँ पर। और मैं खुद सरकार से कहना चाहती हूँ कि अगर हिंदी में अगर पढ़ाते हैं तो बच्चों को इंग्लिश में भी पढ़ाए ना, क्यों नहीं पढ़ा सकते, कि सारे बच्चे क्या हिंदी में पढ़ेंगे फिर, तो भाई जिनको इंग्लिश आती है वो भी हिंदी में कुछ हो ही नहीं पाएगा उनका। तो दिनेश हूँ और यूनिवर्सिटी में अभी PhD कर रहा हूँ और पढ़ाता हूँ। देखिए ये जो छात्र यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो तीन मुख्य मांगों को लेकर कर रहे हैं। एक सेंट स्टीफन की जो आर्बिट्रेरी और डिस्क्रिमिनेटरी जो पॉलिसी है एडमिशन पॉलिसी, कि CUET के बाद भी वो 15% वेटेज जो इंटरव्यू को देने वाला है वो सीधे तौर पर जो गवर्नमेंट स्कूल हैं या जो नॉन हिंदी स्पीकिंग बेल्ट से हैं या
जो अलग अलग स्टेट से आते हैं, जो इंग्लिश में उतने एफ्लुएंट नहीं हो सकते होंगे, उनको वो सीधा सीधा बाहर कर देगा। तो इसके खिलाफ यहाँ बैठे हैं। दूसरा जो बैठे हैं वो ये कि डेप्रीवेशन पॉइंट दिया जाए गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स को, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में हम जानते हैं कि फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं हैं। भले ही दिल्ली सरकार या भारत की अलग अलग प्रदेश की सरकारें ये दावा करते रहे कि उन्होंने स्कूल सिस्टम को बेहतर किया, पर किसी भी राज्य में चले जाइए, चाहे दिल्ली में ही देख लीजिए, किसी भी मंत्री का बेटा उनके सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ता है। तो यानी कि ये हाथी के दांत दिखाने वाले कुछ हों और हैं और खाने वाले कुछ हों, यानी कि हमें बताया कुछ जा रहा है और सच्चाई कुछ हो रहा है। तीसरी चीज़ है कि यूनिवर्सिटी में और भारत में नई यूनिवर्सिटीज़ क्यों नहीं खोली जा रही है, नए कॉलेजेस क्यों नहीं खोले जा रहे हैं। और जब तक आप ये नए कॉलेजेस नई यूनिवर्सिटी नहीं खोल पा रहे हैं, तब तक इन जो एग्जिस्ट कर रहे हैं कॉलेजेस, उनकी बिल्डिंग, उनमें इवनिंग क्लासेस क्यों नहीं चलाई जा रही है। जिस तरह से दिल्ली के सरकारी स्कूलों में गवर्नमेंट स्कूल में आप मॉर्निंग भी देखेंगे और मॉर्निंग शिफ्ट में भी स्कूल चलता है और इवनिंग शिफ्ट में भी चलता है। तो यानी कि आप यहाँ पर भी क्या इस तरह से एडमिशन देके बच्चों को पढ़ा सकते हैं, जिससे कि ज़्यादा संख्या में छात्र फॉर्मल एजुकेशन में पढ़ेंगे। SOL में आज 500,000 छात्र पढ़ रहे हैं, वो इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपके पास रेगुलर में सीट्स नहीं है। तो इन तीन महत्वपूर्ण मांगों को लेके यहाँ पे 9 दिन से यहाँ पे ये छात्र बैठे हैं और हम इनका यहाँ से समर्थन कर रहे हैं और लगातार अपने स्तर पर इन चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी मांगें उठाई जाएँ, इनकी मांगों को सुना जाए। इससे पहले अगर मैं इसको कहूँ कि जब सरकार कह रही है कि CUET एक पैरिटी पे आधारित और एक कॉमन तरीका होगा एडमिशन देने का, पर क्या वो सही में कॉमन है? क्योंकि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है वही ड्यूअल है, यानी एक तरफ प्राइवेट स्कूल्स हैं, एक तरफ गवर्नमेंट स्कूल हैं। एक तरफ अच्छे पैसे वाले घर के बच्चे अच्छा पैसा देके प्राइवेट स्कूल में बेहतर फैसिलिटीज़ के साथ पढ़ते हैं और एक तरफ आप अपने गवर्नमेंट दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में चले जाइए, क्या वहाँ पर परमानेंट टीचर्स हैं? अभी दिल्ली की दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन स्वाति मालीवाल गई थी दिल्ली के MCD स्कूल में, वहाँ पे गर्ल्स के लिए टॉयलेट नहीं है। तो ये कंडीशन है, यानी कि आज 21वीं सदी में जब भारत में मोदी सरकार ने मिशन लिया हुआ है कि वो हर घर शौचालय बनाएगी, वो स्कूलों में शौचालय नहीं है, वो भी दिल्ली में। तो यानी कि हमारे सरकारी स्कूलों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, यानी जहाँ टॉयलेट नहीं है वहाँ पर पढ़ाई का क्या स्तर होगा, वहाँ पे टीचर्स का क्या स्तर होगा? एक क्लास में 90-100 बच्चे बैठे होंगे और जब टीचर बच्चों की नाम ही नहीं जान पाएगा तो उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको कैसे सॉल्व कर पाएगा? तो यानी कि बहुत बेहतर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है सरकारी स्कूलों में। तो यानी और जब आप प्राइवेट स्कूल से पढ़ने वाले बच्चे और गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ने वाले बच्चों को साथ में लेके कंपटीशन करवाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि जो प्राइवेट स्कूल का छात्र है वो आगे निकल जाएगा। और ये हमें कट ऑफ सिस्टम में भी देखने को मिला, कट ऑफ सिस्टम भी कहा जा रहा था कि वो कॉमन तरीका है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है, जिसका कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स है वो एडमिशन ले लेगा। पर आप जाके देखिए सेंट स्टीफन्स में कौन सा छात्र वहाँ पे पढ़ता है? क्या वो अमीरों का अमीर परिवार से आने वाला छात्र है या मेहनत कश आबादी का छात्र है? आप SRCC में जाइए, यहाँ पे देखिए कि कितने सरकारी स्कूल से छात्र पढ़ते हैं वहाँ पे और कितने प्राइवेट स्कूल से छात्र पढ़ते हैं, या नॉर्थ कैंपस में, या भारत की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में आप जाके देखिए कि कितने छात्र जो हैं वो वर्किंग क्लास बैकग्राउंड से हैं। यानी इस देश में जो वर्किंग क्लास बैकग्राउंड का जो स्टूडेंट है वो यहाँ वो आगे 12वीं के बाद पढ़ ही नहीं पा रहा है, और 12वीं के बाद जा रहा है तो इग्नू में जा रहा है, ओपन कोर्सेज में जा रहा है। तो हम कह रहे हैं कि उन स्टूडेंट्स को किस तरह से इनेबल किया जाए, वो फर्स्ट जनरेशन लर्नर जो हैं वो आगे पढ़कर अपने सपनों को पूरा कर सके, इसके लिए सरकार को भी इस तरह की पॉलिसी अपनानी पड़ेगी जिसमें कि गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ने वाले, हम गवर्नमेंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हो सकता है कोई BPL कार्ड नकली बनवा ले, वो ये कहे कि आर्थिक आधार पे दो, पर BPL कार्ड हम जानते हैं कि इस देश में सरपंच जो है वो अपने घर के लिए BPL कार्ड बनवा लेते हैं, लेकिन वो अपने बच्चे को जानते हुए कि सरकारी स्कूल घटिया सरकारी स्कूल में नहीं भेजता है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि सरकारी स्कूल में जो पढ़ने वाला बच्चा है उसको 20% रियायती अंक दिए जाएँ, ताकि वो भी रेगुलर कॉलेज में पढ़ सके, अपने जीवन को बेहतर बना सके और अपने परिवार को आगे बढ़ा सके, अपने सपनों को पूरा कर सके।